नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप के बारे में। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या कॉलेज में जाने वाले हैं, यानी कि आप कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने वाली है, तो आज हम जो बात करेंगे वो लैपटॉप से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड होने वाली है। इस जो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो किस मुद्दे पे मेन डिपेंड करेगी वो देखते हैं। सबसे पहले तो हर बच्चे के लिए जरूरी नहीं कि लैपटॉप जरूरी है। अब लैपटॉप किन बच्चों के लिए जरूरी है? जो बीटेक, बीकॉम या कोई साइंस स्ट्रीम में संबंध रखता है, उन बच्चों के लिए लैपटॉप जरूरी होता है। उन्होंने टेक्निकल कोडिंग समथिंग जो भी कुछ उन सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो उन्हें लैपटॉप पे ट्राई करना पड़ता है। यदि आप कोई आर्ट फैकल्टीज के स्टूडेंट हो तो आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है। मान लीजिएगा अगर आप कोई पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्सेल फाइल बनानी है तो आपको लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं और इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा। तो लैपटॉप में सबसे पहले जो मेन बात आने वाली है वो क्या है? वो है लैपटॉप का प्रोसेसर। तो गाइस, लैपटॉप का प्रोसेसर क्या होता है और लैपटॉप के प्रोसेसर से आप क्या समझते हो, इतनी गहराई में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इतनी गहराई में चला गया तो सब कुछ आपके ऊपर से चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आती है प्रोसेसर की बात। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर और सीपीयू दोनों एक ही चीज़ मान लीजिएगा। लैपटॉप के लिए प्रोसेसर और कंप्यूटर के लिए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये होता क्या है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 भी आ चुका है। सबसे लेटेस्ट कोर i9 है। तो अगर आप प्रोसेसर, अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप प्रोसेसर जरूर देखिए अभी कौन सा प्रोसेसर बेटर है। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप बेसिक, अगर आपका बजट 30,000 से कम है तो आपको कोर i3 परचेज करना चाहिए। अगर आपका बजट 30,000 से ज़्यादा है तो आप कोर i7, कोर i5 भी परचेज कर सकते हैं, बट बेस्ट है वो कोर i7 है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर ये है भी आप एक साथ कितनी चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। कोई आपको हाई क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग करनी है, हाई क्वालिटी की गेम प्ले करनी है, कोई हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, उसे यूज़ करना है, तो आपको सबसे पहले प्रोसेसर ध्यान रखना है कि प्रोसेसर कौन सा है। मैं रिकमेंडेशन दूंगा आपको कोर i7 का। मैं आपको कोर i7 का रिकमेंडेशन इसलिए दे रहा हूँ, ये बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में बात आती है नंबर 2, रैम की। रैम क्या होती है? रैम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लैपटॉप या कंप्यूटर के प्रोसेस करने के लिए। अब रैम कईयों में 4 GB, 2 GB भी होती है, 1 GB भी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो रैम की बात करें तो 8 GB आप रैम परचेज कर सकते हो, बट अगर आपका बजट 30,000 से कम है तो आपको बेस्ट रैम मिलेगी 4 GB। मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में, जो मेरे पास ये लिनोवा का कोर i7 लैपटॉप है, इसमें भी मेरे पास एक कहते हैं ना रैम 4 GB है। मैं अब इसे अपग्रेड करूँगा 8 GB में, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लैपटॉप प्रोसेस करने के लिए बहुत कमांड मांगता है। तो अगर आप एक साथ 2-3 चीज़ों को कमांड दे दोगे, ये तो कोर i7 है, इसमें कोई हैंग लैग कुछ भी नहीं होगा, बट अगर आप कोर i3 और आपके पास और उसकी रैम 4 GB है तो वो बहुत बढ़िया कंडीशन में है। अगर आपके पास कोर i7 है और आपके पास 4 GB रैम है तो आप समझिए आपका लैपटॉप कम काम करेगा। क्यों? क्योंकि कोर i7 के लिए बेस्ट रिकमेंडेशन 8 GB रैम की होती है, 8 GB रैम कम से कम चाहिए। ठीक है, तो आपको जो लैपटॉप देखना है, पहले प्रोसेसर देखना है, फिर उसकी रैम देखनी है। कई बार लड़कियां क्या करती है वो देखिएगा, तो लड़कियां कहती है मेरे को तो वो पिंक वाला, गुलाबी वाला, लाल वाला लैपटॉप चाहिए। नहीं, आपको लैपटॉप की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपका लैपटॉप कितने का है, उसमें को क्या रैम है, क्या हार्ड डिस्क है, क्या उसकी डिस्प्ले है, कितना उसका वेट है। जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे आपको लैपटॉप हर समय अपने साथ रखना पड़ेगा। तो लैपटॉप का कम से कम वेट आजकल हाफ के जी आ रहा है, बट अगर आपको रिकमेंडेशन लेनी है मेरे से
तो 1.5 KGB आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे ज़्यादा अगर आप वेट लेते हैं तो आपके कंधे रह जाएंगे, क्योंकि सारे दिन आपको लैपटॉप को अपनी पीठ पे रखना पड़ेगा, कंधों पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लैपटॉप आप कोशिश कीजिएगा कि 1.5 KG से कम हो, 1.5 KG से कम हो। अब मेरे पास ये लैपटॉप, इसका वेट ओनली 1 KG है, Core i7 है, डिस्प्ले 11.3 इंच है। तो वो डिस्प्ले भी देख लेना किस डिस्प्ले में, डिस्प्ले हालांकि बहुत छोटी है, मैं मानूँ छोटी है, पर मेरे को हर समय कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ता है। मैं ट्रेवलिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो कभी कहीं पे जाना पड़े तो मेरे को लैपटॉप हरदम साथ रखना पड़ता है, तो मैं इसलिए इसका वेट कम है और इसकी डिस्प्ले भी कम है, डिस्प्ले स्क्रीन। उसके बाद में बात आती है जनरेशन की। अब लैपटॉप आपकी कौन सी जनरेशन का है? सबसे अभी तक लेटेस्ट 9th और 10th जनरेशन लेटेस्ट जनरेशन है Core i3 हो, Core i5 हो, Core i7 हो, Core i9 हो। 9 अभी तक का सबसे लेटेस्ट है प्रोसेसर, और उसकी जो जनरेशन है वो 10th जनरेशन सबसे लेटेस्ट है। मेरे पास जो ये लैपटॉप है ये Core i7 7th जनरेशन और 4GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, वेट की भी बात कर ली। अब आपको देखना है ग्राफिक कार्ड। अब ग्राफिक कार्ड क्या होता है, अगर आप गेम प्ले करती हो जैसे पबजी, फ्री फायर, आप अपने कंप्यूटर में या पीसी में खेलना चाहती हो, तो उसके लिए आपके पास ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है। चाहे आप कोई वीडियो एडिटिंग करती हो, पिक्सल फोटो ले, कोई भी यूज़ करते हो आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है, ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड कम से कम 1 GB का होना चाहिए, ज़्यादा आप कितना ले सकते हैं। अभी तक तो 8 GB 16 GB का भी ग्राफिक कार्ड आ चुका है, मेरे वाले में 4 GB ग्राफिक कार्ड है, वो भी नोविडा का, ठीक है। तो उसके बाद में क्या बात आती है वो देखिए, जो ग्राफिक कार्ड है वो अलग अलग कंपनी के, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं, तो आप देख लीजिएगा आपके लिए कौन सा बेस्ट बजट में रिकमेंडेशन रहेगा, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है, हमने बात कर ली रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, डिस्प्ले, वेट, और जो हमने लास्ट बात की थी यानी कि हमने बात की थी आपके प्रोसेसर की, क्या उसकी स्पीड है, क्या उसका ग्राफिक कार्ड है, क्या उसकी रैम है। अब हम बात करेंगे उसकी हार्ड डिस्क HDD। आपके पास HDD का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या होती है, स्टोरेज जितने भी आपके कंप्यूटर में जितनी भी आपके पास फाइल्स है, एप्लीकेशंस है, वो सारी एक जगह स्टोर होती है, उसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। अब तो HDD यानी कि स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क भी आ चुकी है, जिसमें लैपटॉप को इतना फास्ट कर देती है। तो आप देखिएगा लैपटॉप में अगर आप HDD होनी चाहिए कम से कम 1 TB, HDD कम से कम 500 GB तो होनी चाहिए, 500 GB से कम तो बेटर नहीं है, 500 GB होगी तो बहुत बढ़िया, आपका लैपटॉप बिल्कुल फास्ट वर्क करेगा, बिल्कुल बिल्कुल फास्ट। ग्राफिक कार्ड जनरेशन, लैपटॉप के डिस्प्ले, वेट का बात करिए, अगर आपको 4K HD में लेना है पूरा, जैसे आपको कोई फिल्म देखनी है, कोई आपको वैसे सिंपल सा थोड़ा वर्कआउट करना है आपके लैपटॉप में वैसे टाइम पास के लिए, तो आपके लिए कोई भी मैटर नहीं करता, आप Core i3 की फर्स्ट जनरेशन भी ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। इसका बजट आपको 28,000 में पड़ेगा, 28,000 के नियर बाई पड़ेगा। और जो मेरा ये लैपटॉप है ये 83,000 का न्यू लिया था मैंने, और अब तो ये तकरीबन इसका प्राइस होगा 93 तक पहुंच गया इसका प्राइस। तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वैसे वैसे इसकी रेटिंग भी हाई होती जा रही है। तो आप कोशिश कीजिएगा अगर आपको लैपटॉप परचेज करना है तो आप लैपटॉप की हर एक कॉन्फ़िगरेशन को जानिए, ताकि आपको लैपटॉप के बारे में पता चले। लैपटॉप की बेस्ट डिस्प्ले क्या होती है, बेस्ट डिस्प्ले मान लीजिएगा जो ये मेरे वाला लैपटॉप है, इसकी डिस्प्ले 11.2 इंच ही है, बट अगर आप चाहोगे 13.2 तो वो आपके लिए मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा लैपटॉप अपने साथ रखोगे तो बैग भी अट्टा सा लगेगा, कॉलेज लाइफ में बैग भी छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। तो आज जो हमने बात की थी लैपटॉप हमें कौन सा परचेज करना है जो हमें सूट करता है, जैसे कि हमें अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो साइंटिस्ट के हिसाब से, अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको Core i9 लेना चाहिए, क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट है, और उसकी 7th से up to 2nd जनरेशन लेनी चाहिए, आप कौन सी भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप लैपटॉप लें, चाहे कौन सा भी लें, बट जो भी लें उसकी आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी होनी चाहिए 100 out of 100। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत,
अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। करना क्या आपको, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।